सभी माननीय संसद सदस्यगण, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो हमारी देश की आजादी का साक्षी रहा, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा, जिसमें अनेक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, इसी केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी हमें मिला। विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने यहां संबोधन करते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त की और आज इस केंद्रीय कक्ष से हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सबके लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। आज इस अवसर पर उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। मैं आज उन महान नेताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस केंद्रीय कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दायित्व निभाया।